हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मतलब आजकल हर किसी को किसी ना किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होता है। लोग सोचते हैं कि पैसे कहाँ पे लगाए। अब पैसे ऐसे तो कहीं पे लगा नहीं सकते, क्योंकि रिस्क भी होता है। अगर किसी को ब्याज पर अगर दे दे पैसे और वो मतलब वापस करे ना करे, तो मतलब प्रॉब्लम सबको होती है कि पैसे इन्वेस्ट तो करने होते, लेकिन प्रॉपर कहाँ पे इन्वेस्ट करे ये प्रॉब्लम होती है। मतलब समझ नहीं आता कहाँ पे इन्वेस्ट करे। तो आज मैं आपको मतलब ऐसे ही चीज़ें बताने वाला हूँ कि जहाँ पे आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते और वो भी मतलब हम कहीं पर भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो पूरे के पूरे सेफ तो वैसे नहीं होते, तो मतलब एक आपको सिक्योरिटी मिल जाती है कि चलो मतलब आपके पैसे मतलब फालतू में वेस्ट नहीं होंगे, आपको मतलब अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और आपके पैसे भी मतलब सेव होंगे। तो आइए मैं बात करता हूँ कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आप कर सकते हैं रियल एस्टेट के अंदर। रियल एस्टेट के अंदर क्या होता है, तो आप कोई प्लॉट ख़रीद सकते हैं। मतलब प्लॉट हो या कोई ऐसी ज़मीन हो, कोई खेत वगैरह हो, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं हम फार्म हाउस कहीं पे ले सकते हैं। तो मतलब अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हो और आपको इन्वेस्ट करना है तो रियल एस्टेट एक सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि सबको पता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ऐसे ऐसे मतलब ज़मीन वगैरह के दाम काफ़ी अच्छे मतलब मिलने लगेंगे। तो फर्स्ट है रियल एस्टेट के अंदर। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ FDs वगैरह। अब FD के बारे में तो सबको पता है कि बैंक वगैरह में अगर पैसे हम रखते हैं तो उसके ऊपर हमको ब्याज मिलता है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। आप FD कर सकते हैं या फिर किसी के मतलब अपने अकाउंट में भी पड़े रहेंगे तो उसका ब्याज मिलेगा, लेकिन FD में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो आप FD के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद शेयर बाज़ार के बारे में मतलब सबको ऐसा ही लगता है कि उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब रिस्क ज़्यादा है। तो हाँ, रिस्क ज़्यादा है, लेकिन अगर आप उसके अंदर मास्टरी कर लेते हैं या उसका थोड़ा नॉलेज होगा आपके पास, तो मतलब उससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है ज़्यादा रिटर्न लेने का। क्योंकि होता है कई बार दाम मतलब आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा डाउन चला जाता है, लेकिन जब मार्केट अच्छा रहता है तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है, तो शेयर मार्केट भी आप जा सकते हैं। उसके बाद जैसे बैंक में आप FD करते हैं, ऐसे ही पोस्ट ऑफिस के अंदर भी FD की सुविधा होती है। आप पोस्ट के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब कोई ऐसी जगह हो कि जिसके अंदर आप पैसे रखोगे तो मतलब आपकी सिक्योरिटी भी रहेगी और आपको लॉन्ग टर्म में आपको पैसे भी मिलेंगे। तो ऐसी एक ही जगह है LIC। जी हाँ, LIC के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ भी कवर हो जाएगी। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 25 ईयर्स के लिए उसके अंदर इन्वेस्ट किया है, तो अगर आप 25 ईयर्स के पहले अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको आपके परिवार को आपके जो भी बीमा की राशि होगी उसके मुताबिक मतलब जो भी आपको रिटर्न मिलना होगा वो मिल जाएगा। और अगर आपको 25 ईयर्स तक कुछ नहीं होता, आप मतलब स्वस्थ रह के मज़े में जी रहे हैं 25 ईयर्स के बाद भी, तो मतलब आपको 25 ईयर्स के बाद जो मतलब रिटर्न मिलने वाला है वो तो मिलेगा। तो मतलब एक ऐसी सिक्योरिटी वाली और मतलब इन्वेस्टमेंट देने वाली जगह है, तो वो है LIC। तो आप LIC में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है गोल्ड एंड सिल्वर। जी हाँ, गोल्ड एंड सिल्वर भी एक अच्छी चॉइस है, मतलब अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो, क्योंकि मतलब जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे गोल्ड के दाम बढ़ रहे, सिल्वर के दाम बढ़ रहे, तो मतलब आप एक तरीके से उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसे परचेज करके रख सकते हैं अपने पास, और जब मतलब आपको ज़्यादा दाम मिल रहा है तो आप उसे बेचकर अर्निंग कर सकते हैं। तो मतलब ये ऐसी चीज़ें थी जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।